लाइन लग पर और कमाल हो गया ना। ये खराब क्रिकेट है, शायद पता नहीं क्या सोच रहे थे तैयब ताहिर, अपने बैट को ढूंढ रहे थे। यहाँ बहुत ज्यादा जोर से हिट करने के लिए चले गए थे, इससे बल्ला निकल गया। और ये भी देखना है क्या ये रन लेने के लिए जा रहे थे अब बल्ले के बगैर, ये तो बल्ला ढूंढ रहे थे। और अगर आप यहाँ पर रन लेने के लिए नहीं जा रहे तो फिर भी रन आउट तो ये होंगे। वेल, जब मैं बैटिंग कर रहा था ना तो खैर उस टाइम गर्मी भी बहुत थी, मुझे तो नहीं कभी सोचा था कि ऐसे बैट मेरे से भी फिसलेगा हाथ से, लेकिन हाथ काफ़ी वेट हुए थे पसीने से और जिसकी वजह से सही ग्रिप नहीं हो सकी। बल्ला हाथ से निकला तो इंटेंशन भी नहीं थी कि अगर बल्ला निकल गया हाथ से तो मैं, एक होता है ना रन लेने के लिए बंदा भागे और फिर पीछे से कीपर रन आउट करे तो वो एक सेंस बनती है। तो मेरे माइंड में यही था कि अगर हिट नहीं लगी, बल्ला पीछे चला गया तो मैं अब बैट देख रहा हूँ ऐसे ऊपर कि बल्ला किधर गया, बल्ला पीछे गया तो मैं ऐसे चल के ना बैट की तरफ अब पिक करने जा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता था कि वो पीछे रोहेल नज़ीर था, खैर दोस्त है वो भी अपना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे आराम से भागता भागता आ रहा। तो मैं उसी कुछ दो सेकंड की बात नहीं, मैं ऐसे मुड़ा हूँ और पीछे से बस स्टंप्स को बॉल लगी है। अब मैं तो बल्ला उठाने चला गया हूँ, अब मैंने देखा नहीं अंपायर को कि अंपायर ने उंगली उठा दी थी आउट के लिए। तो मैं उधर यही खड़ा वेट कर रहा था कि शायद थर्ड अंपायर पे जाए डिसीजन की टेंशन, वो देखेंगे शायद कि भागने की थी, रन लेने की थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो शायद नॉट आउट होगा, लेकिन इन द एंड वो आउट ही हुआ। मुझे ये था कि अगर मैं विकेट पे रहूँगा तो हम स्कोर कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद मेरा हाल वो टफ हो गया था हमारे लिए।